जैसा कि मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ और ये तय हुआ था कि डिटेल से बात आपके साथ मैं दूसरे सेगमेंट में करूँगा। आप चूंकि बादशाहू बच्चे सारे के साथ आज के जो इस मुल्क के हालात हैं, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं आज इस पर मैंने अपनी जिंदगी में इतने मुश्किल हालात से पाकिस्तान को गुजरते हुए नहीं देखा। आप बच्चे हैं, आप अभी वो पढ़ते नहीं हैं, सोशल मीडिया भी आपका एक अपने मजाज का होता है। आप इस कितने की सूरत हाल को देखें तो शायद आपको रात को नींद भी ना आए कि इतने नाजुक सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं। इस कितने की सूरत हाल पूरी दुनिया से एक मुनफरद है और पाकिस्तान की उसके अंदर जो पोजीशन है, जो जोग्राफियाई, जो पाकिस्तान जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है वो इतनी शानदार पोजीशन है कि सारी की सारी प्लानिंग पाकिस्तान को घेरने के लिए हो गई। देखें, लूटा उसको जाता है जिसके धन में कुछ होगा। जो गाड़ी कमला होगा तो उस घर में तो चोर भी जाके तो अपना टाइम जाया करेंगे। ये बात ठीक है, ये तो बात समझ आने वाली है ना। अब पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया के अंदर उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन समंदर है। दुनिया की डीपेस्ट जो बंदरगाह है वो ग्वादर की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद है। दुनिया की बेहतरीन पानी चौकियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। चार मौसम मौजूद हैं, हर किस्म का फल फसल दरिया सहरा दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम यहाँ पे मौजूद है। और ऊपर से ये कि साथ चाइना बैठा हुआ है जो वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका है, वाशी सुपर पावर वो इस वक्त मौजूद है। और जो पहले की जो डिक्लेयर्ड सुपर पावर्स हैं उनको अपनी जान के लाने खड़े हुए हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि चाइना के साथ, चाइना और पाकिस्तान सारी तरक्की, सारी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी मिल के कर रही है। चाइना और पाकिस्तान एक आदमी है आपस में, साथ इंडिया बैठा हुआ है, फिर साथ के ममालिक हैं, उनकी अपनी हैसियत है। इधर अफगानिस्तान है, ईरान है, ईरान का फंडा एक अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, अरबों के साथ अलग है, अमेरिका के साथ अलग है। अफगानिस्तान के अंदर मेरे बचपन से, मैं आपसे भी छोटा था तो उस वक्त से लड़ाइयाँ हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, जगह जारी है। एक सुपर पावर वहाँ से शिकस्त खा के जा चुकी है, दूसरी जाने वाली, और वो भी निकलेगी तो पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं निकल सकती। उसके बाद तुर्की आगे ईरान के साथ, फिर सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, उनका रास्ता कोई नहीं समुद्र का, वो पाकिस्तान के अलावा उनका रास्ता ही कोई नहीं। तुर्की 2023 में 100 साल के बाद पाबंदियों से आज़ाद हो रहा है, वो एक अलग सिनेरियो कि वो यूरोप के सीने पे वो मोम डाल रहा है, वो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। तो ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की, ये इतनी शानदार है, इतनी शानदार है तो आपके तसव्वुर से बाहर। लिहाजा जितने चोर जितने डाकू हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान को प्लान कर रहे हैं कि इसको कैसे काबू किया जाए।
आपने कल को इस मुल्क की क़यादत आपके हाथ में हो रही है, ठीक है, कल को आपने इस मुल्क की बात को संभाल ली है, तो ये सारी बातें इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ, मैं आपकी टीचर्स के साथ भी करता रहता हूँ, लेकिन ये तो एक एक नुक्ते के ऊपर पूरा पूरा डिस्कशन हो सकती है, ये बातें आप